सैयद आप जडेजा को फिक्स मांग रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर भी डिबेट हो सकता था, बट जाडेजा पर चूंकि डिबेट। पर्थ की पिच जिसको देखकर कहा जा रहा है, जो शुरुआती इमेजेस आई हैं कि भाई बिल्कुल हरी भरी पिच है, और उस हरी भरी पिच पर भारतीय टीम का भी तगड़ा इम्तिहान होने वाला है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा है नहीं, नंबर 3 पर कौन खेलेगा एक बड़ा सवाल बाकी है, गेंदबाजी कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये तमाम चीज सभी के जहन में चल रही है और जाहिर है हमारे जहन में भी चल रही है। इसी वजह से स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर रन ऑर्डर हिंदी में, और हमारी हिंदी टीम या यू कहें कि हमारी पंचायत लग चुकी है यहां पर। दया सागर, विशाल दीक्षित, सुदर्शनन, निखिल शर्मा मौजूद हैं। तो भाई प्लेइंग 11 के लिए तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले तो अगर सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो यही रहेगा कि उस हरी भरी पिच के ऊपर में लहराती हुई गेंद को खेलने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ कौन आएगा, कौन ओपनिंग कर रहा है और यहां पर कौन ओपनिंग कर रहा है इस सवाल के जवाब देने के लिए। विशाल चलो मैं शुरुआत कर ही देता हूं कि ये ओपनिंग यही शायद संकेत है कि इंडिया की ओपनिंग भी थोड़ी डगमगी है, यहाँ भी हम थोड़ी डगमग थे, लेकिन काफी ऑप्शंस इंडिया के पास थे जब गौतम गंभीर और इंडिया की टीम इंडिया से फ्लाई आउट होने वाली थी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वहां था और सवाल पूछा गया था कि ओपनिंग का क्या होगा अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे, तो गंभीर काफी उनके पास काफी विकल्प थे, उसका कॉन्फिडेंस झलक आया कि अभिमन्यु ईश्वरन है, KL राहुल है और इवन शुभमन गिल का भी उन्होंने एक जिक्र किया था, लेकिन जब हम आज इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तब विकल्प उतने ज्यादा नहीं है, इंजरीज कहिएगा कि एब्सेंस, तो मेरा वोट तो जाता है KL राहुल को। सिंपल रीजन ये है कि उनको उस पोजीशन में खेलने का तजुर्बा है और इंडिया ने काफी थोड़ा आगे का सोच के उनको वार्म अप वो ए गेम के खिलाफ खेलने के लिए भी भेजा, जहां हमने देखा कि उन्होंने ओपनिंग करी थी, भले रन नहीं आए थे बट वो एक्सपोजर मिला, उस कंडीशंस में खेलने का मौका मिला, वो NCG में मैच खेला गया था, तो KL राहुल के पास इवन अदरवाइज तजुर्बा है, लेकिन इस टूर के शुरुआत में तजुर्बा है, तो मैं कहूंगा कि ओपनिंग KL राहुल। बिल्कुल ज्यादा जस्टिफाई मत करिए, जाहिर सी चीज है बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन नंबर 3 भी बताते हुए चलिए, नंबर 3 पर अब जब शुभमन गिल नहीं है तो वहां किसको लाएंगे? बातें चल रही है कि देवदत्त पडिकल को रिजर्व के तौर पे वहां पे ठहरा गया है, तो वो मुझे मेरे लिए वो संकेत है कि वे नंबर 3 पर खेलेंगे। बायलैटरल सीरीज है तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आप रिजर्व से मेन स्क्वाड में लाएं, तो मेरा नंबर 3 का वोट जाता है देवदत्त पडिकल के लिए। चलिए तो ओपनिंग KL राहुल, नंबर 3 देवदत्त पडिकल। विशाल कुछ चेंज यहाँ पर? नहीं, मैं इन चीजों से सहमत हूँ। KL राहुल के पास तजुर्बा भी है जैसा कि सुड्स ने कहा, और दूसरा ये कि जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं हमको ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने वो ए गेम भी खेला और जिस तरह से वो जो सिमुलेशन गेम हुआ 15 और 16 नवंबर को वैका पे, काफी खेले, चोट थोड़ी सी लग गई थी उनके कोहनी में प्रसिद्ध कृष्णा को खेलते वक्त, और उसके बाद वो अगले दिन फिर आ गए, एक प्रिकॉशन ही था हमको पता लगा, तो जो संकेत आ रहे हैं वो लगातार खेल रहे हैं नेट्स में, ओपनिंग की उन्होंने सिमुलेशन गेम में, तो राहुल नंबर 3 थोड़ा एक पेचीदा मामला हो गया क्योंकि शुभमन गिल की चोट जो लगी है और वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। मैं उससे भी सहमत हूँ कि देवदत्त पडिकल को खिलाना चाहिए नंबर 3 पे, उन्होंने रन भी बनाए, दोनों ए गेम खेले, एक में 36-88 बनाए, बैकफुट पे गेम उनका काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाउंस को भी ठीक खेल रहे थे, बाकी जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे वो जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, एक केवल पडिकल थे जिन्होंने अच्छे संकेत दिखाए। तो पडिकल अगर आते हैं तो वहां पर कुछ और चेंजेस भी करने होंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। निखिल और दया, क्या ओपनिंग और नंबर 3 को लेकर आप लोग ऐसे ही सहमत है? सहमत है तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो फिर बताइए कुछ और चेंज करना है तो। मैं ओपनिंग से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जुरेल को बाहर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बहुत दोनों पारियों में, दोनों ही मैचों में बहुत अच्छा किया जैसा देखा भी, और एक बहुत अच्छा डिपेंडेबल बल्लेबाज है, तो मैं उसको बाहर नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो 3 नंबर पर खेले शुभमन गिल की जगह या किसी भी स्थान पर, तो मेरे ख्याल से ये बेटर हो सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव भी है, वो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, भले ही पडिकल भी था। बेचारे ने क्या बिगाड़ा है भाई, अचानक से उसको ले जाओगे नंबर 3 पर खिला दोगे, मतलब उसके साथ ऐसी इस तरीके की चीजें। दया नहीं, मैं मेरे ख्याल से जुरेल कहीं ना कहीं होंगे, टीम में होंगे, लेकिन वो 3 पे होंगे मुझे नहीं लगता। उस चीज को अगर छोड़ भी दें तो मैं भी मानता हूँ कि KL राहुल, सब जैसे सारे लोग बोल रहे हैं, तो KL राहुल मेरे लिए भी ओपनिंग स्लॉट में रहेंगे, लेकिन नंबर 3 पर
विशाल और सुट्स के साथ मैं पड़िकल के ही साथ जाऊंगा। अब अगर पड़िकल के साथ जा रहा हूं, हाँ दया बोलो बोलो। इससे मैं बाकी नंबर तीन पे मुझे लगता था कि सुदर्शनन को रोकना चाहिए, सुदर्शन को रोकना चाहिए था लेकिन नहीं रोके हैं और पड़िकल ही एक ऑप्शन है और पड़िकल ने टेस्ट क्रिकेट खेला इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से अब सबके वो भी है। बट मैं अगर सुदर्शन वहां पे होते तो मैं उनके साथ जाता, बहुत एक लंबे रेस का घोड़ा आप देखिएगा 10-12 साल वो इंडिया के लिए बहुत तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। विशाल अगर पड़िकल हमारे टीम में रहते हैं जी, अगर आप उनको नंबर तीन पर खिलाते हैं तो फिर नंबर छह के ऊपर में जो अभी सरफराज नजर आ रहे हैं, हर लोग कह रहे हैं कि नहीं जुरेल को 11 में होना चाहिए और मैं भी कह रहा हूं, मैं भी मानता हूं कि जुरेल ने जिस अंदाज में खेला है वो अनऑफिशियल टेस्ट दोनों पारियों में एक कॉम्पैक्ट बल्लेबाज नजर आए, तकनीक अच्छी थी, तो उनको टीम में जरूर रहना चाहिए। तो फिर क्या सरफराज को बाहर करेंगे आप? देखिए संकेत अगर देखे जाए तो उससे तो यही लग रहा है, ध्रुव जुरेल ने जो टेम्परामेंट भी दिखाया, ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज थे उन्होंने भी सबसे ज़्यादा तारीफ ध्रुव जुरेल की ही की, और इसका मतलब केवल यही है कि उन्होंने अपनी जगह एक तरह से पक्की कर ली है। तो अब जब सवाल यह है कि वो किसकी जगह आएंगे, एक ही स्थान बचता है वो सरफराज का। पिछले जो दो टेस्ट थे, मतलब पहले में तो उन्होंने 150 मारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, सेकेंड और थर्ड टेस्ट में उन्होंने कोई खास रन नहीं बनाए, जिस तरह से भी वो आउट हो रहे थे उससे ज़्यादा लोग इम्प्रेस नहीं हुए होंगे। अगर बहुत अच्छी बॉल मिलती है आपको तब आउट हो गए वो अलग बात है। तो इन कारणों की वजह से मैं तो जुरेल को छह पे खिलाऊंगा, ऋषभ पंत तो है ही पक्के। और जो अभ्यास मैच के अलावा मैच सिमुलेशन भले बंद दरवाजे के उतर, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट्स आई थी जुरेल बहुत अच्छा कर रहे थे, और आज जो स्लिप गार्डन की तस्वीरें आई, गली के तस्वीरें आई, वहां पे भी फील्डिंग कर रहे थे, वहां पे सरफराज का कहीं नाम भी नहीं था। पड़िकल थे बड़ी दया, अच्छी चीज तुमने बताई, और जब तुमने ये बताई है तो मुझे भी आप लोगों से जानना है कि क्या किसी ने वो अभ्यास मैचेस के दौरान सरफराज की पिक्चर देखी, वो बैग लेकर शॉपिंग करती हुई? नहीं, वो मैंने भी देखी। उसके अलावा खेलते हुए या कैसा उन्होंने खेला है कोई पिक्चर विक्चर नजर आई सरफराज की? मुझे तो नहीं दिख रहा है, और वो भी संकेत है कि पहले एक दो मैचों में शायद उन्हें ना कंसीडर किया जाए जहां तक है। नहीं, ऑफिशियल साइंस की बात करें तो जो सबने कहा उस वही दिख रहा है, लेकिन एक मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा सरफराज की तरफ लीन इसलिए भी करता है कि वो आपके इनकम्बेंट नंबर सिक्स है। पिछले सीरीज अगर आप इंडिया के देखें तो वो नंबर वो उस 11 में शामिल थे। चलिए शॉर्ट बॉल के लिए तैयार रहेंगे सुदर्शनन, वो बिल्कुल से निकालेंगे, अपरकट करेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका। देखिए पहले तो मैं पिछले वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मेरी नंबर तीन पर जुरेल थे तो सरफराज यहाँ बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वो पारी खेली थी 150 रनों की, अगर आप उनका पूरा गेम देखे तो बैकफुट का गेम है वो ऑस्ट्रेलिया में। ये जवाब अगर तुम नहीं भी देते निखिल तो हम समझ जाते, क्योंकि जब तुम्हारे टीम में ऑलरेडी जुरेल टीम पर है तो सरफराज खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अब मैं किसी सवाल का जवाब देता हूँ कि क्योंकि ये पल्क के पीछे इस पे उछाल ज्यादा रहता है, तो आपके पास जडेजा अगर एक स्पिनर के तौर पर आप उन्हें ही खिला सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन फिर नीतीश का ही जाता है। वो स्लो आर्म जरूर है उनकी लिंग, वहां तेज गेंदबाज की जरूरत होगी तो वो उसमें काम करेंगे, और एक बैटिंग में भी एक अच्छा योगदान वो दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नितिन मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप? सैयद आप जडेजा को फिक्स मांग रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर भी डिबेट हो सकता था, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम में उतने बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं, इसलिए मैं सुंदर और अश्विन को वहां नहीं लाना चाहूंगा। बट नहीं तो अगर हालिया फॉर्म देखा जाए और बल्लेबाजी कितनी मजबूत है तो वहां पे सुंदर थोड़ा सा आगे बैठते थे जडेजा से, क्योंकि बाएं हाथ के उतने बल्लेबाज नहीं है, स्मिथ और लाबुसेन और ये सब जो ओपनिंग में भी अगर ख्वाजा के अलावा जो तीसरे बल्लेबाज ओपनर रहेंगे दूसरे ओपनर वो भी दाएं हाथ के हैं, इसलिए मैं जडेजा को प्रेफर करूंगा, नहीं तो मैं शायद सुंदर को ले आता बीच में। तो अगर जडेजा पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप वैसे कह रहे हैं वॉशिंगटन जडेजा के ऊपर, तो अश्विन की तो आप बात ही नहीं कर रहे। हाँ मैं अश्विन की नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं विशाल? दया ने मुझे भी प्रेरित कर दिया युवा है, युवा है, क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए। तो अगर इसी तरीके से चीजें चलती हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये भी हो सकता है कि भाई क्यों हम लोग राहुल को खिला रहे हैं, हम लोग वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं, उनसे ओपन करा दें, एक ऑफ स्पिन का विकल्प भी हो जाएगा। बहरहाल ये मतलब अजीब चीजें होती हैं इसमें क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो दोनों सवाल मुझे इस चीज पे लाते हैं कि कंडीशंस कैसी होंगी, भारत को एक स्पिनर चाहिए या दो,
अगर एक ही स्पिनर चाहिए तब बहुत कठिन सवाल है। जडेजा हमेशा ज्यादा खेले हैं अश्विन से जब ओवरसीज टेस्ट की बात आती है एशिया के बाहर, लेकिन पिछले दौरे में या पिछले कुछ सीरीज भी देखे हैं तो अश्विन का रिकॉर्ड काफी सही है। नेथन लायन ने भी पर्थ के इस ऑप्टस स्टेडियम में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, कुछ चार मैच में उनकी एवरेज केवल 18 है, तो ऑफ स्पिनर्स के लिए अच्छी पिच है। तो इन दोनों के बीच में मेरे हिसाब से एक काफी कठिन सवाल होने वाला है। मैं हो सकता है अश्विन को थोड़ा सा फेवर करूं अगर एक ही स्पिनर खेलेगा, अगर दो खेलेंगे तो फिर तो जडेजा और अश्विन, और फिर एक फास्ट बॉलर को बाहर बैठना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल कह सकते हैं विशाल ने जो चीज कही है। बहरहाल यहाँ पर 5 दिन हमारे पास है नहीं, हमको बहुत जल्दी से शो को खत्म करना है, तो आखिर में अगर हम आए बोलिंग फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट में, जस्ट मेरी नजर में तो जसप्रीत बुमराह आकाशदीप ये दोनों बिल्कुल फिक्स हैं, इनको कोई नहीं ला सकता है। तीसरे सीमर प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज या हर्षित राणा, मैं जाऊंगा कृष्णा के साथ। मेरा भी कृष्णा रहेंगे और सिराज और आकाशदीप में मैं स्लैश में रहूंगा। आई डोंट नो कि वो बुमराह पे डिपेंड करता है क्योंकि आकाशदीप ने हालिया समय में बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया। हालांकि मैं सिराज के साथ पर्सनली पहले मैच में जाऊंगा क्योंकि पिछला उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत शानदार रहा था, तो मैं सिराज को प्रेफर करूंगा। बाकी मैं एज अ ऑलराउंडर मतलब चौथा पेस नीतीश कुमार के साथ जाऊंगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आपके सीनियर पेस बॉलर के तौर पे बुमराह और सिराज स्टार्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से, और हाल ही का फॉर्म छोड़िएगा आप, ऑस्ट्रेलिया में सिराज बहुत अच्छे किए थे पिछले टूर में और तजुर्बा भी है, तो सिराज बुमराह और मैं तीसरा प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, और नीतीश कुमार रेड्डी तो हैं मेरे 11 में, तो अश्विन के साथ मैं जाऊंगा, जाडेजा नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने देखा कि अश्विन ने बॉलिंग तो करी थी, जाडेजा के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने सिमुलेशन हो या किसी चीज़ में भाग भी लिया था कि नहीं, तो अश्विन मेरे होंगे लोन स्पिनर और चार सीमर जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा होंगे मेरे प्योर सीमर। तो विशाल को सूट का साथ मिल गया है, लेकिन क्या आकाशदीप के लिए मुझे विशाल या निखिल का साथ मिलेगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था, लेकिन क्योंकि पहला मैच है तो मैं सिराज को बाहर नहीं बैठा सकता हूँ और हर्षित को नहीं खिला सकते, तो मेरे साथ भी बुमराह, सिराज और कृष्णा रहेंगे, क्योंकि कृष्णा का आप उन्हें 11 से बाहर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा ही क्या उनका परफॉर्मेंस रहा था। बिल्कुल विशाल, इससे पहले कि आप भी आकाशदीप को नकार दें, थोड़ा सा मैं टिप्स देते हुए आगे बढ़ता हूं। कैसे पता लगा आपको? लेफ्ट हैंड बैटर्स के खिलाफ आकाशदीप बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, राउंड द विकेट आके बड़ी तगड़ी विकेट निकालते हैं, उसके बाद भी आप उनको बाहर रखने का सोचेंगे? मेरा साथ दे दीजिए भाई, अकेला पड़ जाऊंगा। देखिए बुमराह के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनके साथ मेरे हिसाब से नंबर 2 पेस बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, उनकी उनके कद की वजह से, उनके पेस एंड बाउंस की वजह से, जो हमने वार्म अप में भी देखा, जो ए गेम में भी देखा। नंबर 3 पे आपने जो बाएं हाथ बल्लेबाजों की बात की, सिराज जो हैं वो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों तरह के बल्लेबाजों के लिए काफ़ी परेशानी दे सकते हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं लगभग जहां जहां उन्होंने खेला है लाल गेंद से वहां उन्होंने ऐसा किया है, तो मेरे हिसाब से आकाशदीप, और आपको थोड़ा निराश करूंगा मैं। एनकेआर डेब्यू कर रहा है विशाल आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जी हाँ कर रहे हैं। एनकेआर सभी के टीमों में नजर आ गए यहाँ पर, ये एक अच्छी चीज ये नजर आई कि केएल राहुल एनकेआर सभी के टीमों में है, जाडेजा 2 लोगों की टीम में नहीं है, ये थोड़ा सा चौंकाने का विषय है। आपकी टीम में कौन है कौन नहीं है, ये 11 आप कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि जो परफेक्ट 11 होगी वो क्या होगी, स्कोर लाइन भी आप जरूर बता सकते हैं कि स्कोर लाइन इस सीरीज में क्या होगी, ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा किसके तरफ, सिर्फ 4-1 और 3-2 लिखकर छोड़िएगा मत। फिर होगी आपसे मुलाकात, आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 अनऑर्डर हिंदी।